वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानी देवदार। फ्रेंड्स, जो चार टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गए, उनमें से वो कौन सी दो टीमें होंगी जो इस वर्ल्ड कप का फाइनल खेलेंगे। वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि जो सेमीफाइनल का मैच ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा, वो ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास ऐसे बल्लेबाज बहुत है जिनमें से अगर एक ही बल्लेबाज चले तो वो अपनी टीम को जीत दिलवा सकता है। और दूसरी तरफ अगर बात करेंगे साउथ अफ्रीका की टीम की, तो वो अभी तक कॉन्टन डीकॉक के बलबूते पर ही सेमीफाइनल तक पहुंच पाई, और चेज करते वक्त साउथ अफ्रीका की टीम की कारकर्दगी उतनी अच्छी नहीं रही, इसीलिए मैं यहां पर ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में देखता हूं, न कि साउथ अफ्रीका को। अब दूसरी तरफ इंडिया और न्यूजीलैंड की दरमियान जो सेमीफाइनल का मैच खेला जाएगा, उसमें से कौन फाइनल खेलेगा? देखो, अभी तक अगर किसी टीम ने सबसे बेहतर खेला वो है इंडिया का टीम। जितनी अच्छी बल्लेबाजी इंडिया ने इस वर्ल्ड कप में की, उससे बेहतर इंडिया ने गेंदबाजी भी की, यानी दोनों फॉर्मेट में इंडिया का टीम सबसे आगे रहा इस वर्ल्ड कप में। और दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की टीम ने कुछ खास परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में नहीं दी, लेकिन पिछले दो मुकाबलों की अगर हम बात करें तो वहां न्यूजीलैंड बहुत मजबूत दिखी। और अब जो न्यूजीलैंड और इंडिया का जो सेमीफाइनल का मुकाबला है, उसमें मैं न्यूजीलैंड को आगे देखता हूं, क्योंकि इंडिया न्यूजीलैंड के सामने उतना बेहतर नहीं दिखा। भले ही इंडिया ने न्यूजीलैंड को इस टूर्नामेंट में एक बार हराया, लेकिन फिर भी मैं न्यूजीलैंड को ही आगे देखता हूं, क्योंकि ऐसे मौकों पर न्यूजीलैंड का टीम हमेशा इंडिया से आगे रहा। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े मैच इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान खेले गए, उन सब में जीत न्यूजीलैंड ने ही हासिल की, इसलिए मैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीम को फाइनल में देखता हूं। बाकी आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें कि आप किन दो टीमों को फाइनल में देखते हैं।